इंडिया टीवी के एंकर और एडिटर रजत शर्मा ने कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर लोगों को घर में रहने की सलाह दी, जिसके बाद वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। दरअसल इंडिया टीवी के एंकर रजत शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि घर से निकलने से पहले एक बार सोचें, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है। तो यूजर्स ने रजत शर्मा को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। आपके साथ शेयर करते हैं कुछ यूजर्स के रिएक्शंस। एक यूजर लिखते हैं, हम सब तो अपने घरों में हैं, जाकर मोदी जी से कहिए कि घर से लोगों को बाहर ना निकालें, ऑनलाइन रैली करें। तो शुभ्रा नाम की यूजर लिखती हैं, चुनाव से ज्यादा जरूरी इस समय और क्या हो सकता है। मोदी जी चुनाव में आई भाड़े की भीड़ देखकर खुश हो जाते हैं, पर कोरोना से मरने वालों पर एक शब्द भी नहीं बोलते। वैसे तो संसद में उनके आंसू किसी भी बात पर आ जाते हैं, पर ये आंसू उन मरने वाली जनता के लिए कहां गायब हो जाते हैं। तो प्रियंका नाम की यूजर लिखती हैं, पेट भरने की मजबूरी है साहब, पैसे होते तो हम भी आपकी तरह भाषण देते। तो कुमार अजय नाम के यूजर लिखते हैं, अब तुम क्या मजबूरी समझोगे, गरीब किसान मजदूर के पास खाने को नहीं है, सारे धंधे बंद पड़े हैं, जिंदगी ज्यादा से जरूरी है खाना, जब खाएगा ही नहीं इंसान तो जीवित कैसे रहेगा। तो एक यूजर अमित शाह की रैली का फोटो शेयर करते हुए लिखते हैं, ये काम जरूर है, अगर ये नहीं होगा तो इंडिया डेवलपमेंट कंट्री कैसे बनेगा। एक यूजर लिखते हैं, रजत जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, जब आपकी सीधी पहुंच है प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी तक, तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते उन्हें, ये ट्विटर के माध्यम से संदेश भेजना आपकी पार्टी विशेष के साथ घनिष्ठता का घोर अपमान है। तो संदीप नायक नाम के यूजर लिखते हैं, तू भी जिम्मेदार है, देश को झूठ बोला, मोदी जी का मंत्र कोरोना को हराया, ऐसा झूठा प्रचार चलाया, पब्लिक को झूठ दिखा के देश को इस हालात पे लेके आया। ऐसे कितने ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो रजत शर्मा के इस ट्वीट के बाद उनको ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।